एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम क्या होता है जब एक कंपनी पहली बार आईपीओ लाती है पब्लिक के लिए, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो अलग-अलग कैटेगरीज के लोग होते हैं, जैसे कि तुम्हारा 12th के एडमिशन के लिए या कोई भी कॉलेज में ओपन कास्ट होता है, शेड्यूल कास्ट होता है, ओबीसी होता है, एसटी होता है ना, डिफेंस होता है। तो उसी प्रकार से जब कंपनी शेयर्स मार्केट में लाती है तो एक रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं जो 2 लाख से कम डालते हैं, एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, क्यूआईबी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, कुछ बैंक के एम्प्लॉयज हो सकते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड के हो सकते हैं। लेकिन ये जो एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम है, ये एक ऐसा स्कीम है जो कंपनी के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को बोला जाता है। 100 रुपए के शेयर मार्केट में लाए, ठीक है, तो 5 रुपए के शेयर एम्प्लॉय को दिए जा सकते हैं एट अ डिस्काउंट। ये शेयर कभी भी खरीदने का, क्योंकि तुमको ये जो इक्विटी शेयर डिस्काउंटेड प्राइस में कंपनी के एम्प्लॉयज को दिया जाएगा, बाकी लोग को नहीं दिया जाएगा। बिकॉज कंपनी के एम्प्लॉयज कंपनी में काम करते हैं, तो उनको बोला जाता है कि हम जब शेयर मार्केट में ला रहे हैं तो तुम ये शेयर खरीद सकते हो। एम्प्लॉय ने बोला ठीक है, तो कंपनी उनके एम सैलरी से कट करके उनको शेयर्स ऑफर कर सकती है, ठीक है। सो आईपीओ के टाइम में लाया जाता है, और इसकी खासियत है, द मोमेंट एम्प्लॉय को शेयर दे दिया उसका लॉक इन पीरियड नहीं है, वो तुरंत भी चाहे तो बेच सकता है, ठीक है ना। अलग अलग कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज को अलग अलग शेयर दिए जा सकते हैं, कि डायरेक्टर को इतना। ये आईपीओ के टाइम में एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम परमानेंट एम्प्लॉयज ऑफिसर्स डायरेक्टर्स को ऑफर किया जाता है, उसके अलग कायदे हैं, इसके अलग कायदे हैं, ठीक है ना। ये आईपीओ जब शेयर्स पब्लिक में लाती है उसमें जो एम्प्लॉय का कैटेगरी एक अलग से बनाया जाता है, और जैसे ही शेयर्स इश्यू किए जाते हैं वो लिस्टिंग हो जाना चाहिए। वैसे भी देखा है आईपीओ का लिस्टिंग 7 या 10 दिन में हो ही जाता है। तो यदि लिस्टिंग नहीं होगा तो एम्प्लॉय को ये ऑफर नहीं दिया जा सकता, उसका लिस्टिंग जरूरी है। और यहाँ पे लॉक इन पीरियड बोला है, ईएसपी शुड विल हैव अ मिनिमम लॉक इन पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक्चुअली ये इन लोगों ने बोला है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता ईएसपीएस का, वो ना नॉर्मल शेयर होल्डर है वो, ठीक है ना। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम का तो 100 रुपए का शेयर 20 रुपए में दिया जाता है, ये 100 रुपए का शेयर 90 रुपए में दिया जाएगा। तो यहाँ पे इन लोगों ने एक्चुअली ये बोला है लॉक इन पीरियड, लेकिन लॉक इन पीरियड इसका नहीं होता, ठीक है ना। डेट ऑफ अलॉटमेंट ये तुम लिख सकते हो एग्जाम में, लेकिन मैं इसको बता रहा हूँ, लॉक इन पीरियड इसका नहीं होता। और सेबी के जो भी प्रोविजन है वो पूरे करने पड़ेंगे, ठीक है ना। और एक अच्छी बात ऐसा है कि तुमको जब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के शेयर्स दिए जाएंगे तो तुम नॉर्मल तरीके से शेयर होल्डर की तरह मीटिंग अटेंड कर सकते हो, वोट कर सकते हो, तुमको डिविडेंड मिलेगा, राइट्स ऑफ शेयर होल्डर सारे के सारे तुम पे लागू होंगे, ठीक है ना। और लागू होंगे तो लॉक इन पीरियड कैसे लागू होगा, लागू नहीं होगा, ठीक है ना। और जब ये ऑफर किया जाता है, ठीक है ना, जब ये ऑफर किया जाता है उसके पहले शेयर होल्डर से परमिशन लेना पड़ता है कि हम 100 क्वांटिटी का शेयर ला रहे हैं तो 5 शेयर हम एम्प्लॉय को देना चाहते हैं। शेयर होल्डर ने यहाँ पे अप्रूव कर दिया तो फिर कंपनी कैन गो अहेड विद द एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। बहुत फेमस स्कीम है, और लगभग आजकल सारे आईपीओ ये ऑफर जरूर देते हैं एम्प्लॉयज को, कि भाई तुम हमारे शेयर्स डिस्काउंटेड प्राइस में खरीदो। ज्यादा डिस्काउंट नहीं रहता, 5-10% होगा, लेकिन जरूर ये एम्प्लॉय ने खरीदना चाहिए, शेयर सस्ते में मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम था, क्या सबको क्लियर है ये? यस सर। ओके, सो ये खत्म होता है।